नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ब्रूस ली के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं ब्रूस ली का प्रारंभिक जीवन और कैरियर के बारे में। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पिता लिहोई कुन लिहोई चून और माता ग्रेस हाग्रेस हो के घर हुआ। ब्रूस ली के पिता लिहोई चून हांगकांग में ओपेरा सीन ग्रॉपर सिंगर थे और ब्रूस ली को मिलाकर उनके कुल 4 संतान थे। ब्रूस ली बचपन से ही हांगकांग में रहते थे और एक काबिल अभिनेता थे जो बाद में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया। उन्होंने टेलीविजन में भी अभिनय किया। उनकी कुछ जबरदस्त फिल्में और टीवी सीरियल के नाम हैं द ग्रीन हॉर्न 1966-67, चाइनीज कनेक्शन और फिस्ट्स ऑफ फ्यूरी। उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन के बाद ही 20 जुलाई 1973 को उनका निधन हो गया 32 वर्ष की आयु में। उनका नाम बरास ब्रूस उस हॉस्पिटल के नर्स ने रखा था जहां उनका जन्म हुआ। हालांकि उनके शुरुआती स्कूल में उनके इस नाम का उपयोग उनके माता पिता ने नहीं किया। ब्रूस ने अपने जीवन में 3 महीने की उम्र में पहली फिल्म में 1941 में काम किया, जिसका नाम था गोल्डन गेट गर्ल। साल 1946 के शुरुआत तक ब्रूस ली कुल 20 फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखे। उन्होंने अपने जीवन में नृत्य भी सीखा और हांगकांग के चाचा कंपटीशन को भी जीता। साथ ही उनको उनकी कविताओं के लिए भी जाना जाता है। जब ब्रूस ली किशोर थे तो उनके चीनी होने के कारण उन्हें ब्रिटिश लड़के ताना मारा करते थे। बाद में उन्होंने साल 1953 में कुंग फू मास्टर इप मैन के संरक्षण में कुंग फू की पूर्ण शिक्षा ली और बाद में वे अमरीका अपने परिवार के पास सिएटल वाशिंगटन चले गए। वहां उन्होंने नृत्य प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। ब्रूस ली ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा एडिसन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से पूरा किया। उनको एक नौकरी भी मिली थी जिसमें वे हांगकांग में सीखे हुए मार्शल आर्ट के विंग चुन स्टाइल का ट्रेनिंग दिया करते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई, जिससे 1964 में ली ने विवाह किया और उसके बाद उन्होंने सिएटल में स्वयं का मार्शल आर्ट स्कूल खोला। बाद में वे लिंडा के साथ ओकलैंड और लॉस एंजेलिस गए, जहां उन्होंने और 2 मार्शल आर्ट स्कूल खोले। उन्होंने अपना सबसे जबरदस्त स्टाइल जो खासकर सीखा, उसका नाम है जीत कुने दो जीत क्यों दो या मुट्ठी को फेरने के तरीका द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट। बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए जिनके नाम है ब्रैंडन जिसका जन्म 1965 में हुआ और शैनन जिसका जन्म 1969 में हुआ। अभिनेता के रूप में ब्रूस ली टीवी सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट में कुल 26 एपिसोड में काम किया, जिसमें वे अपने एक्रोबेटिक और फाइटिंग स्टाइल का प्रदर्शन किया। उन्होंने आयरनसाइड और लॉन्ग स्ट्रीट जैसे टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। वे कुंग फू नामक एक टीवी शो में भी अपना आइडिया दिया, परंतु उसमें कार्य डेविड कैरेटीन ने किया था। 1971 में ब्रूस ली लॉस एंजेलिस को छोड़ हांगकांग चले गए। उनकी कुछ बॉक्स ऑफिस तोड़ देने वाली फिल्में हैं डैश फिस्ट्स ऑफ फ्यूरी, जो 1971 के आखिरी समय में रिलीज हुई थी, द ग्रीन हॉर्नेट जिसमें उन्होंने अपने जीत कुने दो की काबिलियत को भी बखूबी दर्शाया है। वर्ष 1972 में द चाइनीज कनेक्शन फिल्म ने उनके पिछले फिल्मों को पीछे कर दिया बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाते हुए, लेकिन क्रिटिक लोगों की वजह से अमेरिका में इसका बोलबाला थोड़ा ठंडा रहा। उनका सबसे बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट रहा एंटर द ड्रैगन फिल्म। जानिए कैसे हुई ब्रूस ली की रहस्यमय मौत। ब्रूस ली की मौत ने लोगों को बड़ी ही अचंभे में डाला था। इतने मशहूर मार्शल आर्ट ट्रेनी और सुपरस्टार की अचानक मौत ने सबको चिंता में डाल दिया। 20 जुलाई 1973 को उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन के लॉन्च से पहले ही 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ऑफिशियली उनकी मौत का कारण दिमाग में सूजन बताया गया।
जो पेनकिलर दवाई के रिएक्शन के कारण हुआ था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उनका खून किया गया था। ब्रूस ली के विषय में 20 दिलचस्प तथ्य जानते हैं। ब्रूस ली ने अपनी अधिकतम फिल्मों में स्वयं अंग्रेजी भाषा खुद कहा है। ब्रूस ली आधे तौर पर जर्मन थे क्योंकि उनके दादाजी 100% जर्मनी के थे। वे बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त ड्राइवर थे। ब्रूस ली की नजर कमजोर थी। ब्रूस ली के परिवार वाले उन्हें लिटिल फीनिक्स के नाम से बुलाते थे। वे हांगकांग की चाचा नृत्य के चैंपियन रह चुके थे। ब्रूस ली एक दिन में 5000 पंच मार कर प्रैक्टिस करते थे। वे अपनी उंगली की ताकत से टिन कैन में छेद कर देते थे। हालांकि ब्रूस ली ने पढ़ाई के माध्यम से कराटे नहीं सीखा, परंतु तब भी वे कराटे सही तरीके से जानते थे। ब्रूस ली ने एक फिल्म के लिए कहानी भी लिखा था जिसका नाम थे द साइलेंट फ्लूट। हालांकि ये फिल्म कभी शूट नहीं हो पाई। ब्रूस ली ने अपने जीवन में कई प्रसिद्ध लोगों को और हीरो हीरोइने को भी मार्शल आर्ट सिखाया। कहा जाता है जब ब्रूस ली छोटे थे तो उन्हें मिर्गी की प्रॉब्लम थी। ब्रूस ली ने अपने शरीर से पसीने निकलने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था। ब्रूस ली बहुत ही अच्छे स्केच आर्टिस्ट थे। ब्रूस ली ने बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी। ब्रूस ली को द टाइम्स मैगजीन वालों ने टॉप 120वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। ब्रूस ली ने कहा था कि उनके पिता उनके सबसे पहले मार्शल आर्ट्स के गुरुवार थे। ब्रूस ली के घर में 2000 किताबों की लाइब्रेरी थी। ब्रूस ली को तैरना नहीं आता था, ऐसा उनके भाई रॉबर्ट का कहना था। ब्रूस ली का सबसे मशहूर उद्धरण जो उन्होंने कहा था कि अगर मैं कल मर जाता हूँ मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं जो जीवन में करना चाहता था वे कर चुका हूँ, आप जिंदगी इसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद।